फिजिक्स आर्ट थी। आई प्रॉमिस बेटर स्कोरिंग इन योर फिजिक्स। अभी 2007 का एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर टू 2007 का क्वेश्चन, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, द गैस इज कार्बन मोनोक्साइड CO मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन N2 एट द सेम टेम्परेचर हैव काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन आपको बोलना है E1 इक्वल टू E2, बी ऑप्शन इज E1 इज ग्रेटर देन E2, सी ऑप्शन इज E1 इज लेस देन E2 एंड डी ऑप्शन इज E1 एंड E2 कैनॉट बी कंपेयर्ड। E1 एंड E2 कैनॉट बी कंपेयर्ड। दिस इज योर क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूल्स E1 एंड E2, काइनेटिक एनर्जी वैरी क्यों करेगा? काइनेटिक एनर्जी क्या बोला था? डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CO कितना होगा? दो एटम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल इक्वल टू 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नाइट्रोजन क्या होगा? अगेन 2, सो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, क्लियर? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितना होता है? एनर्जी फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? हाफ केबी क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बस और कुछ जानने का जरूरी नहीं है। एक मॉलिक्यूल के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। एनर्जी फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 केबीटी। एट द सेम टेम्परेचर सेम रखा है, इसका भी 5/2 केबीटी फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर कार्बन मोनोक्साइड तो सेम हो गया। एनर्जी फॉर कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन इज सेम एट सेम टेम्परेचर E1 इक्वल टू E2। समझ में आया क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर डाई एटोमिक, इसका भी 2 एटम है, इसका भी 2 एटम है, बोथ ऑफ देम आर डाई एटोमिक, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इन बोथ द केसेस आर 5, दैट इज व्हाई एट द सेम टेम्परेचर एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम, इसीलिए E1 इक्वल टू E2, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें। Thank you for watching. Last 20 years questions I have solved like this. If you are benefited, do watch.